गाइज सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं कि चैट जीपीटी ना ही आपका केवल काम कर सकता है आपको एंटरटेन भी कर सकता है कैन यू एंड द स्टोरी बट डू इट इन अ सिंगिंग वॉइस एंड सो बाइट फाउंड अनदर रोल बट फ्रेंड एंड मे लिव सर्किटली एवर आफ्टर थैंक सो मच हाय गाइज तो फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज आज का जो वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो चैट जीपी का न्यू अपडेट आया है ना चैट जीपीटी फोर उसके बारे में जो कि लास्ट में चैट जीपीटी टी फोर ओ में जो ओ वर्ड है ना वो ओमनी मॉडल को रिप्रेजेंट करता है ठीक है और ये चैट जीपीटी टी फोर ओ कम्प्लीटली फ्री है इसके लिए आपको कोई भी पे करने की नीड नहीं है जैसे कि अभी तक जो आप लोग फ्री वर्जन यूज कर रहे थे वो चैट जीपीटी टी थ्री पॉइंट फाइव था ठीक है एंड चैट जीपीटी फोर के लिए पे करना होता था ट्वेंटी डॉलर के अप्रॉक्स में मंथली और अभी तक जो चैट जीपीटी हम लोग यूज कर रहे थे फ्री वर्जन बस टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता था टेक्स्ट को ही एनालाइज करता था मतलब कि कोई भी क्वेश्चन हम अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में प्रॉम्प्ट डालते थे देन उसका सॉल्यूशन देता था ठीक है वहीं पेड में जो चैट GPT 4 के लिए लोग डॉलर के टी में पे करते थे उनको इमेज वगैरह का ऑप्शन मिलता था कि आप इमेज अपलोड कर सकते हैं बट फ्री वर्जन में ओनली टेक्स्ट का ही ऑप्शन था बट ये जो नया वाला चैट जीपी टी आया है ना इसमें बहुत सारे ऑप्शन है ये बहुत सारे फॉर्मेट को एक्सेप्ट करेगा एनालाइज करेगा जैसे कि ऑडियो को

फिलिंग के साथ वॉयस से रिप्लाई देगा चैट जीपीटी तो गाई यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके ना इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे चैट जीपीटी वर्क करेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है ऑडियो को एक्सेप्ट करेगा आपके स्क्रीन को एक्सेप्ट करेगा तो गाय चलिए से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि क्या नया चैट जीपीटी टी फोर ओ में अपडेट आया है तो थो थोड़ा सा गाय यहाँ पे बात कर लेते हैं ना कि ये वर्क कैसे करेगा इसका ना नप्लीकेशन है डेस्कटॉप का फोन का आईपेड का सबका एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे कैमरा ऑन करने का ऑप्शन है आप अपना So, chat GPT. What equation did I write down there? Ah, I see it now. You wrote down three X plus one equals four. Yep. Exactly. So what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side. So what do you think we should do with that plus one? तो अभी आपने देखा होगा कि एकदम लाइव क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे एक टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में होता है वैसे ही स्टूडेंट चैट जीपीटी से पूछ सकता है क्वेश्चंस अपने कैमरा ऑन किया और लाइव चैट जीपीटी आंसर दे रहा है है उसका ठीक है? कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा अब चलते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल के तरफ सेकेंड एग्जाम्पल में ना चैट जीपीटी आपके स्क्रीन को भी रीड कर सकता है जैसे की गूगल मीट में आप स्क्रीन शेयर करके किसी और से प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछते हैं और सामने वाले जैसे बताता है ना एकदम से वैसे चैट जीपीटी वर्क करेगा जैसे ही पे स्क्रीन को शेयर करेंगे आपके

Could you give me a really brief one sentence description of what's going on in the code? This code fetches daily weather data for a specific location and time period, smooths the temperature data using a rolling average, annotates a significant weather event on the resulting plot, and then displays the plot with the average, minimum, and maximum temperatures over the year. Awesome. Thanks so much. And in the code, there's this function foo. Can you describe to me what the plot would look like if I had versus didn't have this function? Sure. The function foo XY takes in a data frame X containing temperature data and a window size Y for calculating the rolling mean. It smooths the average temperature, minimum temperature, and maximum temperature columns by applying a rolling mean over the specified window. With the foo function, the plot would show smoother temperature lines because the rolling mean reduces the noise or fluctuations in the data. Awesome. This makes